बैग हैवी लग रहा है क्या? हाँ हाँ। देखो इसे ऐसे नहीं, ऐसे यूज करो। ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, फिर मैंने किसी के संग डिस्कस करा और मुझे समझ में आया दैट दिस वर्क्स फॉर मी। और बैगेजेस तो हम सबके होते हैं, काश हमें उससे बात करने के लिए कोई मिलता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती। सच में। वेरी नाइस। और हर बैगेजेस में सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे इमोशनल बैगेजेस। ये काफी भारी बैग लग रहा है इमोशन का। वेरी नाइस रिप्रेजेंटेशन। हम अपने बैगेज अमन का क्या करें? शार्ट्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो हम सभी को होते हैं, बट पता है उन सब में कॉमन क्या है? हम बहुत अकेला फील करते हैं। That's right. We feel like we are the only one. और कभी किसी के संग डिस्कस करना चाहो तो लगता है कि अरे वो हमें जज तो नहीं करेंगे। कभी हम सोचते भी हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर चुका हो, बट उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? पर अब वो बदलने वाला है। शख्स, मेरा नाम है पुनीता मित्तल। मैं हूँ महक महेश्वरी। हम बैंगलोर से हैं और हम बना रहे हैं सोला, दुनिया का पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें आप किसी भी इमोशनल चैलेंज के लिए, चाहे वो कितना ही कॉमन या कितना ही रेयर क्यों ना हो, एक पीयर से बात कर सकते हैं। पर ये पीयर्स होते कौन हैं? पीयर्स वो लोग हैं जिन्हें आप जैसा ही सिमिलर चैलेंज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो सेम चैलेंज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। सोलब सिर्फ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे ADHD, बाइपोलर, डिप्रेशन के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए भी एप्लीकेबल है। लास्ट चीज शार्क्स, सोलब थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, एक पैरेलल अप्रोच है। नाउ दैट यू गॉट रिड ऑफ योर बैग्स, हल्के हो गए आप? चलिए, मेंटल हेल्थ को लेकर ये जो इशू है, आई कैन रिलेट वेरी पर्सनली, क्योंकि जैसा कि मैं ओपनली शेयर करता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज इश्यूज। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में ये काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कैसे शुरुआत हुई इस दिशा में? सो इसके दो फैक्टर्स हैं, बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल। हाँ जी। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि मैं हेल्थ में 13 साल से हूँ, और इससे पहले मैं हेल्थीफाई नाम के एक स्टार्टअप में काम कर रही थी। अच्छा, आप हेल्थीफाई में कर रही हैं। और वहाँ पे हमने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ पायलट्स किए थे, और पर्सनल ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। कितना टाइम काम किया आपने हेल्थीफाई? सॉरी, हाउ लॉन्ग? 4.5 साल। एज व्हाट, क्या किया वहाँ पे? मैं वहाँ पे उनकी लीडरशिप में थी, एंड आई वाज हेड ऑफ डेटा साइंस, AI एंड इनोवेशन। काम पढ़ाई किया। आप दोनों की एज क्या है? मैं 40 साल की हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ की पुनीता? मैं IIT से 2007 में ग्रेजुएट किया। कौन से IIT से? दिल्ली। IIT दिल्ली। मैं भी IIT दिल्ली से हूँ। Yes, I know. Fantastic. फिर वहाँ से आप बोल रहे थे कुछ निजी एक्सपीरियंस रहे, उसके बारे में बताइए, फिर आप बताना। मैं थे रेगुलर, कोविड के टाइम में मैं ओरोविल नाम के एक टाउनशिप में वॉलंटियर कर रही थी 1.5 साल तक। तो वहाँ पे मुझे पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया द पावर ऑफ पीयर कनेक्ट, क्योंकि वहाँ लोग बहुत खुल के बात करते हैं। हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, यूजर से बात करना शुरू किया। मैं महक के टच में थी, एंड हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, और हमने और ब्रेनस्टॉर्म किया और डीपर डाइव किया रिसर्च में। नहीं, महक के टच में कैसे थी आप? महक को कैसे जानती हैं? मैं महक को एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानती हूँ। अच्छा, ओके। और उसके बाद बोथ रिसर्च ऑनलाइन एज वेल एज यूजर से बात किए, हमने सोलब पे कॉन्क्रीटाइज किया। आपका क्या बैकग्राउंड है मैम? मैंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है। ओहो, लवली। उसके बाद बेन एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब किया। बेन के बाद मैंने इसके पहले दो और स्टार्टअप्स पे काम किया है। पहला डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्नैक ब्रांड था, एंड दूसरा विमेंस हेल्थ डिजिटल क्लिनिक था। नहीं, आप ये जो कर रही है, लाइक अनुपम सेड, मैं भी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर चुकी हूँ, एंड आई एम अ बिग एडवोकेट of support groups as well as counselors. So firstly, congratulations, क्योंकि जो cause आपने चुना है, it's very important, because अभी तक India में taboo माना जाता है to go see a counselor, and it's really silly, and we need to normalize these things. So yes. My compliments to you. Thank you. मार्केट थोड़ा समझाएंगे कि कितने परसेंट लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज, जैसे एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, कितने परसेंट है इंडिया में?
तो इसमें पहले तो मैं डबल मैं आइट्रेट करना चाहती हूँ ये कि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए हम नहीं बना रहे हैं, हम अक्रॉस द कर्व बना रहे हैं, जैसे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स, जैसे रिलेशनशिप स्ट्रेस, लाइफ डिसीजंस। कोई डेमो है आपके पास, आपके प्लेटफॉर्म? यस प्लीज प्लीज। सो अभी सोलाप सिर्फ एक वेबसाइट के द्वारा लॉन्च्ड है। जब भी कोई यूजर सोलाप पे आता है तो वो सबसे पहले अराउंड 9 की कैटेगरीज देखता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, करियर, मेडिकल इश्यूज एक्सेट्रा। अब समझ लीजिए कि मैं मुझे रिसेंटली डिप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, डिप्रेशन का डायग्नोसिस हुआ तो मैं मेंटल हेल्थ पे क्लिक करूंगी और उसके बाद वंस आई गो टू द मेंटल हेल्थ टैब मुझे उससे एसोसिएटेड पीयर्स दिखना शुरू होंगे। तो किसी भी पीयर के लिए क्विकली क्या इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, उनका एक्सपीरियंस, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अभी करंटली हमारा वेबसाइट 21 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। उनके स्लॉट्स क्या हैं, उनकी जर्नी, और उन्हें अभी तक कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं यहां पर? 200 पीयर्स। वो तो पीयर्स हो गए, लेकिन सामने से कितने लोग ने रजिस्टर्ड? तो हमारे अराउंड 700 कॉन्वर्सेशंस हुए हैं अभी तक। सो यू वेरी अर्ली, हमने 7 में स्टार्ट किया। अभी बहुत अर्ली हो, वेरी अर्ली स्टार्ट किया है। ठीक है, डेमो। फिर उससे मुझे वो रेलेवेंट पीयर्स दिखने लगते हैं। आई स्क्रॉल डाउन और आई सी समबडी आई लाइक, समझ लीजिए जैसे सीमा इज रेलेवेंट टू मी, तो मैं वहाँ से जाके बुक अ कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करती हूँ, दे पे, और फिर उसके बाद होती है एक 45 मिनट्स लॉन्ग वीडियो कॉन्वर्सेशन। ये पेमेंट क्या है यहाँ पर, पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पर कुछ? जी, 99 रुपीज है अभी के लिए 45 मिनट्स के लिए, वो 45 मिनट्स। हम टाइम टू टाइम डिफरेंट थीम्स पे ग्रुप्स करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रुप्स फ्लोटेड है आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में जान के 5 to 6 के ग्रुप में होता है टू कीप इट इंटीमेट एंड कीप द डिस्कशन रिच, और ये सारे थेरेपिस्ट द्वारा फैसिलिटेटेड हैं। रिसेंटली हमने कोई एपिलेप्सी अराउंड डिसेबल्ड पीपल, डेटिंग फटीग, और हमने किया था पोस्टमार्टम पे, तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स किए हैं रिसेंटली।